श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। कुंदकेश्वर हो गया था, क्या नाम पड़ा? कुंदकेश्वर। हजारों लाखों बीमारियों में कुंदकेश्वर भगवान का नाम ही काफी है। कुंदकेश्वर, यदि शरीर में रोग हो गया और वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा, 4-6 दिन हो गए हॉस्पिटल में पड़े, डॉक्टर अपना काम करे, उसको करने दो, आप एक बेलपत्री का पत्ता लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो, और ये पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस तरह से रखकर उसके ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाकर एक अंजलि में थोड़ा सा जल लाकर उस रोग ग्रस्त व्यक्ति को मात्र आचमन करा दो, और आचमन भी नहीं कराओ तो उसके मस्तक पर उस जल को मात्र लगा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 8-9 घंटे लगेंगे और वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। भारी से भारी रोग है तो भी कुंदकेश्वर भगवान का मात्र स्मरण करता है। उसी तरह जैसे जिस व्यक्ति के घर में 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो रहा हो, पैसा नहीं टिक रहा हो, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हो, तो कुछ मत करो, केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर हाथ में हथेली में कोई मिश्री कड़ी शक्कर या बतासा लेकर बेलपत्री की 5 परिक्रमा कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे डाल दो, उस पे 1 लोटा पानी चढ़ाकर जाओ, घर में धीरे धीरे संपदा बढ़ने लगती है और अशांति समाप्त हो जाती है, शांति हो जाती है, घर से रोग बीमारी दूर। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी संपदा की कमी हो रही है, कोई काम नहीं बन रहा, पैसा नहीं आ रहा, या व्यापार नहीं चल रहा, या घर में पैसे नहीं फेर रहे, या लक्ष्मी का आवक नहीं हो पा रहा है, लक्ष्मी नहीं टिक पा रही, लक्ष्मी नहीं आ पा रही है, लक्ष्मी का प्रभाव कम पड़ पा रहा, तो एक बेलपत्र जल के पात्र के साथ, बेलपत्र हाथ की हथेली पर, जल का पात्र उस हथेली के ऊपर, घर से ही चारों तरफ भ्रमण कराकर अपने घर के अंदर ही कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो शिवालय पास में, जो शंकर जी का मंदिर पास में, वहां पर जाकर पहले जल समर्पित कर दें, फिर हाथ में जो बेलपत्र है अपने कार्य का स्मरण कर वो बेलपत्र शिव जी पर समर्पित कर दे, वहीं से थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आए और घर में उस जल का चारों तरफ छिटा दे दीजिए। 8 दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन भी बहुत हो गए, हम तो कहेंगे 3 या 4 दिन में व्यापार वापस चलना प्रारंभ हो गया। शिव जी का एक नाम है कुंदकेश्वर, कौन से महादेव है? कुंदकेश्वर महादेव, जो जीवन का एक आनंद सुख संपदा देने, एक आनंद की अनुभूति कराने।